हेलो गाइस, जैसे एक एक चीज लेकर आता है। पहला हम यहाँ है ना, अचार से शुरू करता है। जब हम कोई भी चीज शुरू करता है, पहला अचार से ही शुरू करता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ओलन आ जाता है, इसको ओलन कहता है। मतलब थोड़ा सा दाल, जो पम्पकिन है, सब कुछ मिलाकर चीज है। फिर जो ऐसे यानी हमारे बनाना, स्कूल में मतलब भी जो क्या होता केले है का ना। चीज है, वो भी साइड में ही हम लोग रखता है। तो पहला अचार हो गया है, और ये जो ब्लैक कलर का है, पुलिंजी कहता है। पुलिंजी मतलब जो टैमरिन जो डालकर जो बनाता है, एक अचार का टाइप है, जो मतलब हिमाचल प्रदेश में अचार का मिलता है। फिर जो ये है, जो मतलब जो बीन्स और जो कोकोनट मिलाकर है, इसको उपेरी बोलता है। तो ये सब्जी भी हमारा जगह है, हमारा कुछ जगह में इसको मिर्कुवेरटी कहता है। तो मतलब अभी ओलन हो गया है, मिर्कुवेरटी हो गया, अचार हो गया है, बनाना मतलब जो स्टीम्ड बनाना है वो भी इसका अंदर है। फिर जो चिप्स है, जो केरला का चिप्स है, दोनों तरीके का चिप्स है। देख लो, ये जो चिप्स नॉर्मल चिप्स है, ये थोड़ा सा गुड़ वाला चिप्स है, गुड़ मिलाकर का चिप्स। फिर इसको अवियल कहता है। अवियल में है ना सारा कैरेट, बीटरूट, ड्रमस्टिक, सब कुछ मिलाकर लास्ट में दही में बनाकर बनाता है, उसको अवियल बोलता है। मतलब सारा सब्जी उसमें डालता है, जो भी सब्जी मिलता है वो लास्ट में बनाता है। वो सारा सब्जियों का मिश्रण है अवियल। और इसके बाद ये तोरण है, कैबेज तोरण। कैबेज मतलब जो आपको पता है ना, जो कड़ी पत्ता तो वो उसका कड़ी पत्ता नहीं क्या, मतलब कड़ी लीव्स सब कुछ है, तो उसमें है ना कैबेज, कैबेज का जो तोरण है हमारा इधर। फिर जो पाइनएप्पल खिचड़ी, पाइनएप्पल खिचड़ी भी आता है, उसको हम मतलब जो एक पाइनएप्पल खिचड़ी भी है, इसमें तो काफी टेस्ट होता है। पाइनएप्पल और एक ग्रेप्स का भी वो उसमें रखता है। तो ये ग्रेप्स है, थोड़ा सा मीठा होता है उसमें, उसको काफी पसंद है, इसलिए मैंने पहला ही थोड़ा सा टेस्ट किया है। तो വിളമ്പ് കറിയായിരിക്കും കൂട്ടുകറി. हाँ, कूटकरी, कूटकरी बोलता है इसमें, है ना, थोड़ा सा जिमीकंद वगैरह सब कुछ मिश्रण करके जो बनाता है। और फिर जो मसाल करी है, मसाल करी में जो आप लोगों को पता है ना, जो मटर है, सब कुछ है, वो सब कुछ मिलाकर है, जो मसाल करी, जो मसाल करी भी डाल दिया है। देख लो आप लोगों को, काफी चीज हो गया है। ये सब कुछ हम मतलब हर दिन तो इतना लोग नहीं खाता है, ये ओणम का स्पेशल दिन है। फिर जो पापड़ है, जो केरला का पापड़ है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जो मतलब पहला तो मतलब कोकोनट ऑयल से ही बनाता था, आजकल जो राइस ब्रान ऑयल वगैरह भी यूज करता है। तो ये पापड़ है, जो केरला का पापड़, उसको भी यूज करते हैं। जो दूसरा तरीके से पापड़ नहीं, ये केरला का पापड़ है, तो ये भी इस साइड में ही रखता है। फिर जो मेन चीज है, यहाँ चावल रखने का जगह है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं इतना जगह हमने छोड़ कर रखा है चावल खाने के लिए। तो गाइस, ये मतलब एक ग्रैटिट्यूड है। मतलब जब ओणम का टाइम में है ना, हम भगवान को भी धन्यवाद ही कहता है, हमको इतना सारा चीजें दे दिया है। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है, तो ये सब कुछ उस समय जो हार्वेस्ट भी होकर घर में आ गया भी होगा, तो लोग ये सब कुछ देखकर भगवान को मतलब थैंक यू बोलता है, ग्रेटफुल होता है। फिर वो भगवान को पहले देने के बाद, अभी भी ये सब कुछ जो भगवान को पहले दे दिया था हम लोगों ने, जो दीप जलाकर भगवान का पास रख दिया है, उसके बाद हम लोग खाना खाता है। तो ये सब कुछ एक ट्रेडिशन है, काफी समय से ये फॉलो करते हैं हम लोग। तो ये मतलब एक और बार मैं बताता हूँ, जो पहला है पुड़ियंजी, यहाँ है जो मैंगो का पिकल है, इसको जो मैंने पहला भी बता दिया है, ओलन कहते हैं, ओलन। तो ओलन हो गया, आबियल हो गया है, फिर जो पाइनएप्पल का खिचड़ी हो गया है, जो कैबेज सब्जी हो गया है, जो मतलब जो बीन्स कोकोनट सब कुछ मिला कर का है, फिर चिप्स हो गया है, गुड़ का चिप्स हो गया है, जो केले का जो स्टीम्ड केला हो गया है, मसाल करी हो गया है, जो मिर्को तोरण हो गया, अभी हम चावल भी डाल रहे हैं।
और चावल डालने के टाइम में ये ऐसा पकड़ना पड़ता है ताकि चावल गिर ना जाओ। तो चावल भी आ गया है आप लोगों का पास, देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से पूरा हो गया है। अभी हम इसका अंदर सांबार डालते हैं, लास्ट हम सांबार इसका अंदर डालकर इसको मिक्स कर वहां पहले से शुरू करते हैं। कुछ लोग जो पुराना जमाने का है वो लोग पहला, जैसा हम कभी कभी जो दाल वड़ा भी इसके साथ ही रखता है, ये लास्ट में खाने के लिए है। पर जो पहला है ना, कुछ लोग दाल से शुरू करते हैं, दाल और घी डालकर उससे शुरू होने के बाद फिर क्या करता है, सांबार डालता है। उसके बाद आपको खीर भी है, मतलब जो पायसम कहता है हमारा जगह, तो दो तरीके से पायसम भी है। वो अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो लास्ट में खाना है। और फिर जो हमारा सांबार डाल दिया है, सांबार को और रसम और जो बटर मिल्क है, मतलब जो वो भी है। पहला हम जो सांबार से खाना खाता है, उसके बाद वो मतलब जो रसम खाता है, रसम का थोड़ा सा लास्ट में हम बटर मिल्क के साथ खाता है। क्योंकि बटर मिल्क हमेशा है ना वो पचाने का काम करते हैं। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जब बटर मिल्क का पहला पायसम लेते हैं ये पापड़ के साथ, फिर जब खाना खाने के बाद लास्ट में बटर मिल्क के साथ चावल लेते हैं, तो ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस बन जाता है। तो आप लोग भी ऐसा याद कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड गाइस, ये आपके लिए है। थैंक यू। पायसम, पायसम, पायसम भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सिर्फ तो लास्ट में आप लोगों को दिखाने का है। जो मीठा पायसम है वो आप लोग देख सकते हैं, पालाड़ा प्रदमन है। तो ये एक्चुअली जो दूध है और आटा है सब कुछ मिलाकर का पायसम है। बहुत टेस्टी होता है, लास्ट में खाने का है। क्योंकि पहला हम खा लूंगा ना तो फिर हमको वो नहीं होगा, मतलब फिर खाने का इच्छा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा है। तो हम क्या करते हैं, पहला चावल सांबार से, फिर रसम से, उसके बाद ये खाता है, मतलब पायसम। पायसम के बाद फिर बटर मिल्क के साथ खाना खाता है। ये दूसरा है दाल का जो पायसम है, जो दाल पायसम है आप लोग देख सकते हैं। तो दाल पायसम भी हम रख दिया है, मैं अभी नहीं खा रहा हूँ। मूंग दाल पायसम। तो ये सब कुछ हमारा जो ओणम फेस्टिवल का खासियत है, ये सब कुछ हम मिलाकर इस बार खाना खा रहे हैं। भगवान को धन्यवाद ही करता हूँ और सभी लोगों को भी। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।